أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى في موضع آخر فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا وسط حضرات محترم اللہ پاک نے انسان دی زندگی نو خوشگوار اور مرد دے معاشرتی معاملات نو بہتر بنان واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد دے وچوں عورت نو پیدا فرمایا ہے. عورت اصل وچ مرد دے جسم دا ہی حصہ ہے. اللہ پاک نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا فرمایا بنایا اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم دی کھبی پسڑی دے وچوں سیدہ حوا نو پیدا کیتا تو ثابت ہویا کہ اللہ پاک نے عورت نو مرد دے وچوں ہی پیدا کیتا ہے اور نال نال اے بھی سمجھ آ گیا کہ مرد تے عورت انہاں دا وجود ایک ہی ہے اور قرآن کریم اندر اللہ فرما دے نے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. اللہ پاک نے ہر مخلوق دا جوڑا جوڑا بنایا ہے اور اسی طرح اللہ نے انسان دا بھی جوڑا جوڑا بنایا ہے. ایک مرد تے ایک عورت یہ جوڑا ہو گیا تے جوڑا توڑن واسطے نہیں جوڑیا جاندا بلکہ جوڑا جڑیا رہن واسطے ہی جوڑیا جاندا ہے. تے جے جوڑے نو توڑنا ہی ہوئے تے پھر جوڑا بنان دا فائدہ تے کوئی نہ آیا. اللہ پاک نے اس جوڑے نو جوڑ کے اتنا مضبوط کیتا ہے
इतना मजबूत किया है और इसकी मजबूती वास्ते अल्लाह पाक ने इन्ने उसूल बनाए ने कि अगर उन्हां उसूलों के मुताबिक कोई जोड़ा आपस अंदर जिंदगी गुजार लवे तो वह इतना चल लैण तो आपस के अंदर वो जोड़ा इतना गहरा होएगा। खोलो ठीक बस इतना गहरा जोड़ा जुड़ जाएगा कि ये जोड़ा मंगनी तो लैके शादी तक, शादी तो लैके बच्चियां तक, बच्चियां तो लैके बच्चियां दी शादी तक, बच्चियां दी शादी तो लैके मौत तक, मौत तो लैके मैदान महशर तक और मैदान महशर तो लैके जन्नत तक ये जोड़ा टूट ही नहीं सकता। ये अल्लाह ने एडा मजबूत बनाया है। बाज़ दफा कुछ ऐसे मामलात बन भी जाते हैं कि गल तलाक तक पहुंच जाती है, मियां बीवी आपस अंदर जुदा हो जाते हैं और शैतान सब तो ज्यादा जिस काम ते राजी है वह मियां बीवी की जुदाई, सब तो ज्यादा शैतान जड़ा काम पसंद है ना वह मियां बीवी नू एक दूसरे तो जुदा करना। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने की फरमाया है, सुनना नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा फरमान। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नू उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने शैतान अपना तख्त पानी उत्ते लगांदा है और पानी उत्ते लगा के अपने चेलियां नू जमा करदा है, अपने बचुंगड़िया जमा करता है और कहिंदा जाओ अल्लाह की जमीन ते फितना बरपा करो, अल्लाह की जमीन ते लड़ाइया पवा दियो, फसाद पवा दियो। सारे उहदे चेले निकलते ने अल्लाह की जमीन ते, शाम तक अल्लाह की जमीन ते फितने बरपा करते ने, अल्लाह की जमीन ते लड़ाइया पवाते ने, फसाद बर्बा करते ने, ते वापस जो जाते ने इबलीस को। इबलीस एक एक नूं पुछदा तू की करके आया, मैं जी दो बंदियां नूं आपस अंदर लड़ा के आया, कहिंदा कोई काम नहीं कीता। अच्छा तू की करके आया, मैं जी दो जमातां नूं आपस अंदर लड़ा के आया, तू ही कुछ नहीं कीता, तू की करके आया। मैं एक बंदे नू बदकारी ते लगा के आया, कहिंदा तू ही कुछ नहीं कीता। हत्ता के एक चेला कहिंदा गुरु जी मैं मियां बीवी दे मगर लग गया, खामत दे दिल विच बीवी दे बारे नफरत पाई, बीवी दे बारे खामत दे दिल विच नफरत पाई, इत्थों तक उन्होंने वसवसियां दा शिकार कीता। हत्ता कि दोवें आपस अंदर लड़न लग पे,
लड़दियां लड़दियां गल तलाक ते पहुंच गई। खामद ने अपनी बीवी नू तलाक दे दिती। नबी पाक फरमांदे ने इबलीस खलो के कहिंदा है आ मेरे सीने न लग जा, सब तो वड्डा काम तू करके आया है, तू बड़ा वड्डा काम करके आया है, मैं तेरे ते राजी हाँ। पता लगा शैतान सब तो ज्यादा जड़ा काम करना चाहता है और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई है। और अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमाते ने वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैन ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه। अल्लाह पाक ने जादू की पूरी कहानी का बयान फरमाया। जादू करने वाला क्यों करता है, जादू करवाण वाला जादू क्यों करवाता है। अल्लाह पाक फरमाते ने मा युफरिकून बिही बैनल मरी वज़ौजी। जादू का सब तो वड्डा मिशन है मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पाना। जादूगरां दा सब तो वड्डा काम है मियाँ बीवी ने एक दूसरे तो अलग कर देना। हजरत जी वकार पता लगा अल्लाह दी जमीन ते सब तो बड़ा फितना है मियाँ बीवी दे दरमियान लड़ाई पा के उन्हां नूं वखरियां कर देना। अल्लाह पाक ने गल बिल्कुल पसंद नहीं तां अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी दे रिश्ते नूं मजबूत बनाने वास्ते बड़े बड़े उसूल पैदा फरमाए वदा फरमाए। पहला उसूल यह है मियाँ बीवी लड़की और लड़के दा निकाह बगैर लड़की दी इजाजत तो हो ही नहीं सकदा। लड़की दी इजाजत जरूरी, लड़की दी इजाजत तो बाद वली दी इजाजत जरूरी, वली दी इजाजत तो बाद दो गवावां दी मौजूदगी जरूरी, दो गवावां दी मौजूदगी तो बाद छुप छुपा के निकाह नहीं बल्कि मुसलमाना दी महफल दे अंदर निकाह जरूरी, बरादरी दे विच निकाह जरूरी। ए नहीं कि को कमरे दे विच अलग थलग बह के काले कोट आलिया नाल काले करतूत कर लैन, नहीं हजरात दी वकार इंज नहीं बल्कि बरादरी नूं जमा करके सारियां दे विच एलानिया तौर ते निकाह पढ़ाया जाए ताकि बाद अंदर निकाह दे टुटण दी को गुंजाइश ना रह जाए, बाद अंदर मियाँ बीवी दे जुदाई दा को मसला ना रह जाए। हुण मियाँ बीवी आपस अंदर जुड़ गए, रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, जिंदगी गुजरदी पई है, आपस अंदर बनती कोई नहीं। खामद बीवी नू पसंद नहीं करता, बीवी खामद नू पसंद नहीं करती। है को ताड़े चो बंदे दा पुत्र होवे हागे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। साड़ी मसीद बेचारी यतीम ही रही, पुत्र तू की करेगा, तेने को पता हैगा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गदरा तेजी वकार गौर करते जाना दरा। मैं जिन्हां बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना। हजरात मोहतरम भाई इस्माइल है जेड़े चिट्टा बतन ना चिट्टा सब तो उत्ते जिहड़ा जिहड़ा मैक लगा चलता पिया ना मैक सब तो उत्ते चिट्टा बतन उन्हू थोड़ा जा घट कर दो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात जी वकार गौर करते जाना।
मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल शादी हो गई है, मियाँ बीवी एक दूसरे नूं पसंद नहीं करते, लड़ाइया नहीं मुकदियां। अल्लाह अल्लाह शरीयत की कहंदी है की करता अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा शरीयत की कहंदी है दोवां दी आपस अंदर बनदी नहीं। खामद नूं चाहीदा अपनी बीवी नूं अपने कोल बिठाए फाइजू हुन्ना उन्हूं वादो नसीहत करे उन्हूं समझाए भलीए लोके हुण अपना तलक जुड़ गया है ते जिंदगी गुजारीए जिवें दी निभदी है निभाइए। अल्लाह 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 फरमांदे ने फाइजू हुन्ना खामद नूं चाहीदा अपनी बीवी नूं कोल बिठा के वादो नसीहत करे कुरान हदीस दियां गल्लां समझाए फिर भी समझ ना आए। कुरान कहिंदा वाहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजई खामद अपनी बीवी तो अपना मिलाप अलग कर लै अपना बिस्तर अलग कर लै। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत जी वकार दूसरा ऑप्शन भी नाकाम हो जाए फिर तीसरा ऑप्शन हो किए फरमाया वाजरी बूहुन्ना फिर हल्का फुल्का डांट डपट हल्की फुल्की मार भी दीती जा सकती है मार अंदर जरूरी है वला तदरीबूहुन्ना चेहरे ते ना मारिया जाए औरत नू गंदियां गालियां ना कढ़ियां जान औरत नू अपने मापियां तो इलावा किसे गैर दे घर विच ना छड़िया जाए तरीके नाल आसन अमदाद नाल उन्हूं समझाना है। तीन ऑप्शन हो गए पहले समझाना है फिर बिस्तर अलग करना है फिर हल्की फुल्की डांट डपट मारे चेहरे ते नहीं मारना और गंदियां गालियां नहीं कढ़नियां और जनाब किसी अलग जगह ते बे आगो गया जमीन विच विचारी नूं तने तनहा नहीं छड़ना। इनियां कोशिशां दे बावजूद भी जे रिश्ता ना चल सके फिर तलाक दे देनी है नहीं फिर भी नहीं देनी। असीं ते पैंदे सट्टी ठा 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 तलाकां मारने आ शरीयत कानून वेख लो किन्ने बना दिए पहले समझाना है ना समझे फिर तलाक दे देनी है नहीं फिर बिस्तर अलग कर देना है बिस्तर अलग करन नाल भी ठीक ना होए फिर तलाक दे देनी है नहीं फिर भी नहीं देनी फिर हल्की फुल्की डांट डपट हल्की फुल्की मार फिर तलाक दे देनी है नहीं फिर भी नहीं देनी फिर की करना है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात जी वकार गौर कर दे जाना। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो फाइन खिफ तुम शिका का बईन हिमा फबासू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा फरमाया एक खामद वालों बंदा एक बीवी वालों बंदा अपनी बरादरी दे मेन दो बंदे उन्होंने जाके दसना है यार है तुसी मेरा निकाह कराया सी अगर खामद नू बीवी तो गिलाए ते बीवी दे वली नू जाके दसना है मेरे नाल सही सलूक नहीं कर दी ते जे बीवी नू खामद दे गिलाए फिर खामद दे सरबरा नू जाके दसना है मेरे नाल सही सलूक नहीं कर दी फबअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा दोवें आपस अंदर बह जान मियाँ बीवी नू बिठा देन बिठा के कहना हाँ भी तुहाडा रौला की है आओ तुहाडा रौला मुकाइए आपस अंदर उन्हां दी फिर सुलह करा दिओ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर भी सुलह ना होवे फिर तलाक दे देनी है नहीं 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 फिर भी तलाक नहीं देनी फिर कदों तलाक देनी है। अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर जनाब अपनी बीवी नू हालते तोहर विच तलाक देनी है हालते हैज में नहीं यानी जिन अयाम में औरत ने नमाज छोड़ी हुई है उन अयाम में तलाक आप नहीं दे सकते बल्कि आप अपनी बीवी को तलाक उन अयाम में देंगे जिनमें वो रोजा भी रख रही है नमाजें भी पढ़ रही है हालते तोहर में है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदराब तेजी वकार
ਉਦੋਂ ਤਲਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ 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 ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਅੱਲਾ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਐਸ ਕੱਛ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਸ ਕੱਛ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬੂਬੂ ਬੂਬੂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਜਾਣਾ ਬਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਾਕ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਤ ਤੋਹਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਯਾਮ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ ਅਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਮਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਖਾਮਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕੌਣ ਸਾ ਤਲਾਕ ਕੇ ਬਾਇਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕੇ ਰਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰਤ, ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰਤ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਜਾਏ ਜਨਾਬ ਬੀਵੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਇਧਰੋਂ ਖਾਮਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜਕ ਪੜਕ ਤਲਾਕਾਂ ਸੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗਦਰ ਆਪਦੇ ਜੀ ਵਕਾਰ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਨੂ ਨਫਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਤ ਏ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਿਕਾਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਫਸਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਾਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਜੂ ਕਾ ਹੱਕ ਅਭੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੁਲ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤਲਾਕ ਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਹੱਕ ਮੈਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋਈਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਲ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਮਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰਤ ਜਿਸਕੇ ਪੇਟ ਮੇ ਖਾਮਦ ਕਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਇੱਦਤ ਹੈ 3 ਮਾਹ।
और वो औरत जो हामिला है, जिसके पेट में उसके खामद का बच्चा मौजूद है, उसकी इद्दत है वदा हमल। जब तक वो बच्चा जन्म नहीं देगी तब तक वो अपने खामद के घर रहेगी, खामद उसका खाना अदा करेगा, उसका नानो नफका तब तक खामद के जिम्मे होगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब दीजी वकार, तुझे सुला दी कोई भी नौबत नहीं बनी, बिल्कुल युक्का मुक्का उन्हें तलाक दे के फारक कर देता है, खामद अपना वखरा हो गया, औरत वखरी हो गई है। अल्लाह 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 हजरत तेजी बकार होने मुतलका औरत कहलाएगी, होने मुतलका औरत दे हुकूक की ने, खामद के जिम्मे ते दा कोई हुकूक नहीं रह गया, अलबत्ता माशरे के जिम्मे कुछ हुकूक ने, केड़े केड़े ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, सब तो पहला हक मुतलका औरत दा माशरे के लोगों के जिम्मे है, बरादरी के लोगों के जिम्मे है कि मुतलका औरत नूं बुरा ना समझिया जाए, मुतलका औरत नूं मनहूस ना समझिया जाए, मुतलका औरत नूं मायूब ना समझिया जाए। ये को बीबिया चो बीबी है, ये ते तलाक लै, ये साढ़े ते गल्लां ही है, छड़ो जी और छड़ो जी, बावां भैणां कट्ठियां बह जाण तो बरादरी की जिहड़ी विचारी औरत नूं तलाक होई होवे उहदे ते लूडो खेलदियां ने, उह को बुढ़िया चो बुढ़ी है, तलाक लैके बैठी है, फलाने घर बैठी है, दो बाल फिर क्यों आ बैठी है, लै ली तलाक ते किहड़ा को क्यामत आ गई है, कोई गल नहीं लै ली तलाक ते की होया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरत तेजी बकार, क्या आपको इस मसले का पता है, अल्लाह पाक ने एक औरत का निकाह नबी करीम से पढ़ाया है और वो मुतलका औरत है, अल्लाह पाक ने उसका निकाह पढ़ाया, तुहानू एडी बुरी लगती मुतलका, अल्लाह पाक ने यही बात खत्म करने के लिए एक औरत का निकाह अल्लाह ने खुद अर्श पर पढ़ाया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार, सैयदना हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत जैद वहाबाद साहबी ने जिन्ना दा नाम कुरान पाक अंदर आया है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम सन, मेरे पैगंबर को रिहा कर दे सन, मेरे पैगंबर ने हजरत जैद नूं आजाद किया, आजाद करके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी फूफी जाद नूं सैयदा ज़ैनब बिनते जहश नूं, ज़ैनब मैं तेरा निकाह जैद नाल करना है, मैं तेरा निकाह जैद नाल करना चाहना। सैयदा ज़ैनब एक हाशमी खानदान की औरत है, नबुवत के खानदान की औरत है और कुरैश के खानदान की औरत है, हजरत जैद गुलाम ने अल्लाह 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 दिल विच थोड़ी जी गल आई, मैं तो उच्चे खानदान दी औरत हाँ, मेरा नसबनामा उच्चा है ते जैद ते गुलाम है, नबी पाक गुलाम नाल मेरा निकाह करना चाहते ने, हजरत सैयदा ज़ैनब दे दिल विच गल आई, अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया वमा काना लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूला लहुम लखियरतु मिन अम्रिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फकद ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर किसे मोमन मर्द लई जायज नहीं, किसे मोमन औरत लई जायज नहीं, रसूल अल्लाह दे फैसले तो बाद अपने दिल अंदर को कजर भी पैदा करे, टेढ़ा पण पैदा करे। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने ऐत सैयदा ज़ैनब बिनते जहश नू सुनाई, सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करदियां ने महबूबा मैं अपने दिल दियां सारियां गल्लां खत्म करनियां, मैनू मंजूर है तुसी मेरा निकाह जनाबे जैद नाल कर दियो। हजरत जैद नाल निकाह हो गया, निकाह हो जाण तो बाद नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने निकाह कर दिता। अल्लाह दियां मर्जियां, मियां बीवी दा पसंदर दिल ना मिलिया, नवाबत दे अंदर जनाब ख्यालात ना मिले, साल या साल तो कुछ देर दे बस कर ले पुत्र कदों तक चलाएगा, बह जा
अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा ते जीवकार गौर करना दरा। आपको ये मसले का नहीं पता कि खुतबा जुमा में एक तिनका भी उठाना जायज नहीं है। तुर पैजे तुसी अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार गौर करना अल्लाह साल या साल तो कुछ देर ज्यादा रिया पसंदर रिश्ता ते हजरत ते जैद नबी पाक दी खिदमत अंदर हाजिर होए अद कर देने अल्लाह दे महबूब पैगंबर मेरा दैनब नाल अखलाक नहीं मिलदा मेरा दैनब नाल ज़हन नहीं मिलदा सैयदा दैनब दे नाल मेरे ख्यालात नहीं मिलते उन्हां दे ख्यालात मेरे नाल नहीं मिलते ते मैं ज़ैनब नूं तलाक देना चाहना वा हत्ता के हजरत ज़ैद ने तलाक दे दिती हुण सैयदा ज़ैनब बिनते जाश मुतलका होईयां के ना होईयां मुतलका औरतां हो गईयां ना तलाक याफ्ता औरत हो गई। अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब बिनते जाश मुतलका औरत हो गई यानी तलाक याफ्ता औरत हो गई। असीं गल्लां करने आं साडे खबरनामे चलदे ने फलानी औरत मुतलका हो गई है खामब दे घर रह ना सकी वस ना सकी की होया है की होया है जनई वस सकी। अल्लाह पाक फरमांदे ने फलम्मा कदा ज़ैद मिना वतरन ज़ौजना कहा ज़ौजना कहा महबूबा तुसी ज़ैद नाल निकाह पढ़ाया ते ज़ैद दे कोलों जदों सय्यदा ज़ैनब अलग हो गईयां इद्दत गुजर गई है मैं रब ने ज़ैनब दा निकाह तुहाडे नाल कर छड़िया है मैं ज़ैनब बिनते जहश दा निकाह तुहाडे नाल कर दिता है। नबी पाक नाल सय्यदा ज़ैनब बिनते जहश दा निकाह हो गया ये मेरे पैगंबर दी फुफी जात ने मेरी तुहाडी मां बन गई मुतलका औरत नाल मेरे पैगंबर ने निकाह किया है। मुतलका नूं बुरा ना समझिया करो मुतलका दियां गल्लां ना करिया करो तलाक याफ्ता औरतां दियां चुगलियां ना करिया करो। मेरी ओ माओ बहनो जिहड़ी विचारी नूं तलाक हो जाए कईआं दा खामद चंगा नहीं तां तलाक हो गई कई ऐसियां औरतां बेचारियां ने कि मियां बीवी दा पसंदर ज़ेहन नहीं मिलिया कोई गल नहीं शरीयत ने एक ऑप्शन रखिया है कोई गल नहीं तलाक हो सकती है एक ही तरीका एक खामद ने अगे होर लभ लई खामद ने अगे होर लभ लईए ते ओ फफे कुटनी कहंदी है आ जदों तक आ तेरे घर है ना उदों तक नहीं मैं आना इनू तलाक दे फिर मैं तेरे नाल निकाह करना है। अल्लाह दे नबी ने मना फरमाया है हराम है कम गलत है कम मेरे नबी दी सुन्नत ते तरीके ते हदीस दी मुखालफत है फरमाया किसी औरत वास्ते जायद नहीं कि वह अपनी किसी बहन नूं इस गलों तलाक दिलवाए कि वह खुद उस खामत दे घर आना चाहती है खुद उस कामत दे घर अंदर रहना चाहती है ये जायद नहीं है। अल्लाह 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 साढ़े 50% घराणियां दा ही रौला है औरतां कहंदियां ने जी मेरे खामद ने अगां किते होर लभ लईए ओह कहंदी ए इहनू छड्ड ते मैं फिर तेरे नाल निकाह करां जुल्म करदियां ने ऐसियां औरतां जुल्म करदियां ने ऐसियां औरतां चंगा भला घर वसदा पिया है चंगे भले मियां बीवी रहिंदे पए ने ए कित्थों जनाब जिननी आ गई ए कित्थों चरेणनी आ गई ए कित्थों शैतान दी टूटी बन के आ गई कि जिन्हें हसदा घर दा हसदा वसदा घर उजाड़ दिता कि जिन्हें जनाब आकर सारे रौले पा दिते खामद नूं लट्टू बना के अपने मगर लगा लिया उन्हूं बार बार पट्टियां पढ़ांदी है इनू तलाक दे इनू फारग कर दिने तेनू फारग करेंगी करेगा रात नूं मैं तेरे घर होवांगी रात नूं तेनू तलाक देवेंगा दिने मैं तेरे घर होवांगी। इंज दियां औरतां नूं अल्लाह तो डरना चाहिए इंज दियां औरतां रसूल अल्लाह दियां भी ना फरमान ने अल्लाह दियां भी ना फरमान। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब ते जीवकार गौर कर दे जाना दरा हजरात ते जीवकार मैं जिहड़ा मसला जिक्र पिया करना मुतलका औरत नूं मनहूस ना समझो बुरा ना समझो और अगली गल जे तलाक दे दिती ना तलाक दे दिती औरत नूं ते ओ हुण जनाब ए जिहड़ी बीवी है ओ चली गई आपदे मां बाप दे घर चली गई औरत ते खामद दा फिर जिहड़ा घर है सी ऐसी इन्हां बच्चे काबू कर लैने बच्चियां नूं कैद कर लिया और बच्चियां नूं आख्या इन्हां ते प्यो दा साया भी नहीं पैण देना अब्बे दे नेड़े भी नहीं लगण देना
ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਕਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਕੁਝ ਸਾਲ ਨਿਕਾਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, 4 ਮਾਹ 10 ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਖਾਮਬ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਥਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਮਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗਦਰਾਬ ਦੇ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੜੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪ ਤਾਈ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੜ। ਕੋਈ 100 'ਚੋਂ 1 ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਜਬ ਉਸਕਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਨਿਕਾਹ ਮੇਂ ਵੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਖਾਮਦ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 4ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।
अल्लाह 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 यानी बीवी दा बाकायदा विरासत दे अंदर हिस्सा मौजूद है, बाकायदा विरासत दे अंदर हिस्सा औरत दा मौजूद है। अगर उदी औलाद मौजूद है अठवां हिस्सा, अगर उदी औलाद मौजूद कोई नहीं खामत दी ते चौथा हिस्सा बीवी दा हक बनदा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार, ये बेवा औरत दा दूसरा हक है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना तीसरा हक की बनता है, ओही मुतलका दा हक है, ओही बेवा दा। बाद दफा जिवें बेवा औरत नूं बुरा समझिया जांदा है मुआशरे दे, जिवें मुतलका औरत नूं बुरा समझिया जांदा है, एवें जनाब जिहड़ी बेवा औरत है उहनूं वी बुरा समझिया जांदा है मुआशरे दे अंदर। ऐ ते कई कई अल्लाह जाणदा बीबियां मूँह भर के ये भी कह दिंदियां ने, ए ते आपदा खामद ही खा गई, ए ते खामद ही खा गई है। ओ कितों खा गई, अल्लाह पाक की मर्जी सी, अल्लाह पाक का निजाम सी, फौत हो गया है, दुनिया छड़ के चला गया है। एक ते बेचारी दे सिर ते खामद का साया नहीं रहा, ते दूसरा ताने मारन वाले नहीं छड़ दे, कोई उन्हें मनहूस सद्दा है, कोई उन्हें नह सद्दा है, कोई पता नहीं केड़े केड़े नाम दिंदा है। कई बीबियां बह के कहदियां ने, ये तो अपना खामद ही खा गई है, ये तो खामद ही एदा जनाब ये दुखों टुर गया है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदराब तेजी वकार, हर गजिंद दे जुमले ना बोलो, किसी भी बेवा औरत नूं कदी बुरा ना समझो, उन्हूं कदी मनहूस ना समझो, उहदे बारे तरह तरह दियां बातां जबान चो ना करो। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी नवासी है सैयदा ज़ैनब बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दी सब तो वड्डी बेटी दा नाम ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब दी एक बेटी है, उहदा नाम है सैयदा उमामा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा उमामा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मेरे पैगंबर दी नवासी है, मेरे पैगंबर इन्ना प्यार करया करदे सन, अल्लाह दे नबी सैयदा उमामा नूं चुक के जमात करवा कर दे तन, अल्लाह दे नबी उठा लेंदे, उठा के जमात करवा कर दे तन। जदों नबी पाक सजदे जांदे आप बिठा देंदे, जदों फिर खड़े होंदे सैयदा उमामा नूं चुक लेंदे। इन्ना प्यार नबी पाक ने सैयदा उमामा नाल कीता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मां फातिमा की वफात का वक्त करीब आ गया है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा नूं वसीयत फरमाई, अली जी जदों मैं दुनिया तो चली जावां मेरे जान तो बाद उमामा नाल निकाह कर लिया जे, मेरे जान तो बाद उमामा नाल निकाह कर लिया जे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो चलियां गईयां, आप दे रुखसत हो जाण तो बाद सैयदा उमामा दे नाल हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने निकाह कर लिया। सैयद नादरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे निकाह दे अंदर सैयदा उमामा 28 साल रहियां। 28 साल तो बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा दी शहादत हो गई, हज़रत अली अल मुर्तज़ा दी शहादत हो गई। दसो खां उमामा बेवा होइयां कि ना होइयां, बेवा बनिया के ना बनिया, बेवा बन गई ना, ते किसी ने कोई इतराज नहीं किया, किसी ने नहीं आख्या इंज हो गया है, किसी ने कोई गल नहीं की, किसी ने कोई जुमला नहीं बोलिया, किसी ने कोई गल्ला नहीं कीतिया, रल के रल मिल के बह के बीबियां गल्ला नहीं तोरिया ना कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हत्ता के सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा दूसरा निकाह हज़रत मुगीरा बिन नौफल नाल हो गया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, सैयदा मुगीरा बिन नौफल दे घर विच सैयदा उमामा 26 साल रहियां, फिर वह भी फौत हो गए। फिर बेवा हुई कि नहीं हुई, फिर बेवा हो गई, किसी ने कोई गल नहीं की, किसी ने कोई मसला नहीं किया, किसी ने अल्लाह माफ करे जो जुमले असी बोलने कोई जुमला नहीं बोलिया। साढ़े तो अल्लाह जानता पता नहीं मुआशरा किड्डा, मुआशरा तो है ही कोई नहीं, एवं लोहा ले लेनी है किसी मसले का पता ही नहीं। इतना बुरा समझिया जाता बेवा औरत नूं, तरह तरह दियां गल्लां, तरह तरह के जुमले। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार, गौर करते जाना दरा, बिल्कुल इंज दे जुमले ना बोलिया करो, बिल्कुल बुरा ना समझिया करो। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं दी बेटी है, नाम है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्हां दा निकाह
خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنڑ ہویا اے نبی پاک دے صحابی نے میدان بدر وچ لڑے نے بدر وچ انہاں نوں بڑے زخم لگے زخماں دی وجہ تو شہید ہو گئے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے انہاں دے دنیا تے جان تو بعد سیدہ حفصہ بیوہ ہویاں کہ نہیں ہویاں ہویاں کہ نہیں ہویاں بیوہ ہو گئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گیا میں جا کے آکے عثمان میری تھی بیوہ ہو گئی اودے نال نکاح کر لو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں کئیاں نوں شرما لے کے بہ جاندیاں نے کئیاں نوں تانے لے کے بہ جاندے نے کئیاں دے نک لبڑ جاندے نے کئیاں دیاں نکاں کٹیاں جاندیاں نے باقی ٹول اگے نچن والی کوئی شرم نہیں ہیں گانے سنن والی کوئی شرم نہیں شراب پی کے گندیاں گالاں کڈن والی کوئی شرم نہیں تھی تیانی کرے بیٹھی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے او دا جا کے کسے نوں رشتہ کہن اندر ہول میں جاواں ہن میں آکھاں کیوں تینوں کیوں ہوندا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جناب عثمان کے پاس گیا میں نے کہا عثمان میری بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے نکاح کر لو سیدنا حضرت عثمان فرماتے ہیں عمر میں تینوں سوچ کے دساں گا حضرت عمر فرماتے ہیں میں کئی دن انتظار کردا رہا تے حضرت عثمان نے مینوں جواب ہی نہ دیتا فرماندے نے میں انتظار کر کر کے تے میں آکھا لگدا جواب نہیں دیندے فرماندے نے میں حضرت ابوبکر صدیق کول چلا گیا میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے آکھیا صدیق اکبر حفصہ بیوہ ہو گئی ہے اودے نال نکاح کر لاؤ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تانوں غور کر کے دساں گا سوچ کے دساں گا حضرت عمر فرماندے نے کئی دن گزر گئے جناب ابوبکر نے بھی مینوں جواب نہ دیتا فرماندے نے مینوں بڑا دکھ لگا اس گل دا ہجے میں اس دکھ دے وچ ہی ساں کہ اللہ دے نبی نے پیغام نکاح کلا چھڈیا اے نبی پاک نے فرمایا عمر میں چاہنا ہاں تیری بیٹی حفصہ نال میرا نکاح ہو جائے حضرت عمر فرماتے نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی میں نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا سیدہ حفصہ دا نکاح کر دیتا سیدہ حفصہ ام المومنین بن گئیاں میریاں تواڈیاں ماواں بن گئیاں تے حضرت عمر فرماتے نے جدو نبی پاک نال میں نکاح کر دیتا تے حضرت عمر تے حضرت عثمان نے مینوں بعد دسیا عمر یار ناراض نومی اصل وچ اسیں نبی پاک کولو سن چکے سن نبی پاک تواڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہندے سن اسیں تاں تانوں جواب وی نہیں دتا تے تانوں دسیا وی نہیں کہ نبی پاک دا راز فاش نہ ہو جائے یار او کیویں دے لوگ سن کڈے صاف ستھرے لوگ سن کڈے دل دے من دے صاف لوگ سن کڈیاں سدھیاں سدھیاں گلاں تے معاملات سن اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تے دی بکا بیوہ عورت دا پہلا حق ہے وے اونوں عدت پوری گزارن دا حق دتا جا اپنے خامد دے گھر دے اندر بیوہ عورت دا دوسرا حق ہے وے خامد دی جائیداد وچ اونوں حصہ دتا جائے اٹھواں حصہ یا چوتھا حصہ دتا جائے بیوہ عورت دا تیسرا حق ہے وے اونوں منحوس نہ سمجھیا جائے اونوں برا نہ سمجھیا جائے اونوں معاشرے دے اندر گندی نظر نہ ویکھیا جائے بیوہ عورت دا چوتھا حق ہے وے اونوں مکمل اختیار دیتا جائے اپنے نکاح دا بیوہ عورت مکمل حق رکھتی ہے اپنے نکاح کا لو جی آپ ہی تری پھر دی آپ ہی تری پھر دی پتہ نہیں انہوں ہے کہ ساڑھی خبرنامے نہیں مک دے آپ ہی تری شریعت کہہ رہی ہے ایک عورت بیوہ تھی اس کا خامد فوت ہو چکا تھا اس کے والد نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی میرے پیغمبر نے فرمایا میں تیرا نکاح ابھی سے باطل قرار دیتا ہوں کیوں اس نے تیری اجازت کے بغیر نکاح پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کمواری عورت خاموش رہے تو سمجھو کہ اس کی ہاں ہے اور جو بیوہ عورت ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتی وہ بول کے کہہ سکتی ہے میں یہاں کرنا چاہتی ہوں یہاں نہیں کرنا چاہتی اس کو مکمل حق ہے یہ تھے بیوہ عورت بیچاری منہ چ گل کیوں نے کرنی ہوں مگر تے گلاں ہی بڑیاں ہوندیاں لو جی لگی ویکھو پھر دی اللہ جاندا ایڈے ایڈے عجیب جملے ایڈے ایڈے عجیب جملے اس عورت دے بارے بولے جاندے نے
कि बंदा सुन नहीं सकता। कहा किसने आपको हक दिया है कि आप उसके बारे में, शरीयत हक देती है उसको। अल्लाह 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 इंतखाब कर सकती है, मेरा फलां जगह से निकाह करो, इंतखाब हो करेगी, कहेगी हो कि मैं फलां जगह से निकाह करना चाहनी हूं, मैनू लगता है वो जगह ठीक है, फिर वली जाए जाके निकाह कर दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार, बेवा औरत का चौथा हक है वे ओनू मुकम्मल निकाह का हक है, ओनू मुकम्मल निकाह का अख्तियार है। अल्लाह दस सकती है फलां जगह ते मेरा निकाह करो, वली जाए उदा उथे निकाह कर दे। हजरत तेजी बकार बेवा औरत का पंजवा हक है वे ओदे बच्चे ओदी इज्जत करना, ओदे बच्चे ओदा एहतराम करना। बेबा औरत दे बच्चियां नूं चाहिदा है अपनी मां दा पहले नालों बहुता कदर करिया करन, अपनी मां दा पहले नालों ज्यादा ख्याल करिया करन, मां नूं तंग ना करिया करन, मां नूं परेशान ना करिया करन। इन्हां नूं सोचना चाहिदा है साडी मां दे सिर ते दोरियां दोरियां जिम्मेदारियां आ गईयां ने, इह सानूं मां वाला प्यार भी देंदी पई है, सानूं बाप वाला प्यार भी देंदी पई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबा औरत दी इन्नी इज्जत करिया करदे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने, फरमांदे ने नबी पाक नूं मैं कई वारी वेखिया, अल्लाह दे पैगंबर बेवा औरतां दे घरां विच जा के उन्हां दा काम कर दिया करदे सन, उन्हां दी जरूरियात पूरियां कर दिया करदे सन अल्लाह दे पैगंबर। और जदों भी किसी बेवा औरत ने आप नूं किसी काम लई बुलाया है, नबी पाक ने कदी मना नहीं किया। अल्लाह दे पैगंबर उस औरत दी उस गर्दवाब ते तशरीफ लैके जा कर दे, मेरे पैगंबर बेवा औरत दा इतना इहतराम करिया कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आका फरमांदे ने जेड़ी बेबा औरत जिदे बच्चे भी मौजूद ने, खामद उदा दुनिया तो चला गया है, अगे शादी भी नहीं कर दी, अपने दामन की हिफाजत भी कर दी है, अपने बच्चियां की परवरिश भी कर दी है, हत्ता के परवरिश कर दी कर दी बच्चे जवान हो जाते ने, उन्हां तो यतीमी की जड़ी जनाब हुक्म मुक जाता है। फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह पाक इस औरत नूं मैं मुहम्मद दा कुरब अता करेगा, अल्लाह पाक इन्हूं मेरा कुरब अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, बेवा औरत नूं उहदे बच्चे तंग ना करन, परेशान ना करन। बेवा औरत दा दराबते दी बकार छेवां पंजवां हुकूक है वे, माशरे दे लोगां नूं चाहीदा है बेवा औरत दा ख्याल करिया करन, बेवा औरत नूं कमा के अपनी कमाई विचों हिस्सा दिया करन। हदीस पाक अंदर आंदा है नसाई शरीफ दी रवायत, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा बेवा औरत वास्ते मेहनत करदा है, मजदूरी करदा है, बेवा औरत नूं कमा के लिया के दिंदा, फरमाया इंजे जिवें अल्लाह दे रस्ते च जिहाद पिया करदा है, अल्लाह दे रस्ते जिहाद पिया करदा है। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा बेबा औरत लई मेहनत करदा है, मजदूरी करदा है, वह बंदा इंजे जिवें उन्हें कदी रोज़ा छड़िया ही नहीं, जिवें सारी जिंदगी उन्हें रात का क्याम छड़िया ही नहीं। अल्लाह उन्हें इन्ना आदर दिंदा है जिन्ना आदर सारी जिंदगी रोज़ा रखण वाले नूं मिलदा है, जिन्ना आदर सारी रात क्याम करन वाले नूं, सारी जिंदगी क्याम करन वाले नूं मिलदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शहादत तो चार दिन पहले फरमाते ने, मैं अपनी जिंदगी के अंदर इन्ना कु पैसा बेबा औरतां वास्ते जमा कर जावांगा कि बेबा औरतां किसे दियां मुहताज नहीं रहणगियां। लेकिन अल्लाह दियां मर्जियां, चारा दिनों तो बाद जनाब उमर की शहादत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल इक औरत आई है, आखिरी बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कोल इक औरत आई, आके कहंदी है दाऊद पैगंबर मैं बेबा औरत हूँ, मेरा खामद दुनिया तो चला गया है,
मैं सूत कतनी हाँ ते सूत कत के सूत बाजार अंदर बेचनी हाँ ते बेच के तो उहदे नाल मैं अपना गुजारा करनी हाँ अपने बच्चियां दी दाल रोटी चलानी हाँ ते होया की है मैं सूत कत के रखिया पिया सी सूत कत के गठरी बना के रखिया पिया कोई जानवर आया है वह सूत उड़ा के लैके चला गया है और मैनू दसो ना अल्लाह पाक ते फरमांदे ने बेबा और अब्दा मैं आप सहारा वा ते मेरे नाल की बनी है मेरा ते सारा कुछ मालूम मता वो जानवर उड़ा के लैके चला गया है प्यारे दाऊद अलैहिस्सलाम हुण दसो ना मेरे ते जुल्म नहीं होया ते और की होया है इहनू मैं जुल्म समझा के की समझा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश ने यानी देर बार कुछ ताजर आ गए बार ताजरा ने आके अंदर आने की इजाजत मंगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर आने दियो ताजर अंदर आ गए आके कहंदे ने दाऊद पैगंबर जी ऐ असी कुछ ताजर हाँ हर ताजर बंदा एक एक सौ दिनार सदका करना चाहते हाँ एक एक सौ दिनार सदके च देना चाहते हाँ पर मैं गल सुनाओ गल की होई है उन्हें आखा जी गल होई है ना असी समंदर ते दरिया बिच कश्ती ते सफर पे करते अचानक जनाब तूफान उठाया उस तूफान के अंदर साड़ी कश्ती के अंदर एक फट्टे च सुराख हो गया साढ़े को सुराख बंद करने वास्ते कोई शह मौजूद नहीं सी असी सारिया नज़र मनी अल्लाह अगर पार सलामत लंघ गए के सौ दिनार तेरे रस्ते अंदर सदका करांगे कहंदे ने जे असी नजर मनीए एक परिंदे ने एक गठड़ी सती है सूत दी भरी हुई गठड़ी है ना वो सुराख वाली जगह ते असी उस गठड़ी नू ला दिता है सुराख कुछ देर वास्ते रुकिया है ओनी देर नू असी किनारे ते पहुंच गए हां अल्लाह पाक ने सानू बचा लिया है ते ऐ सौ सौ दिनार असी ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਾਰਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਾਰਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਬੇਬਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪ ਮਦਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨਾ ਲੇ ਮੁਮਿਨਨ ਵਲਾ ਮੁਮਿਨਾ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾ ਕਦ ਅੱਲਾ ਖੁ ਵ ਰਸੂਲੁਹੁ ਅਮਰਾ ਨਾ ਯਕੂਨ ਲਹੁਮ ਲਖਿਯਰਤੁ ਮਿਨ ਅਮਰਿਹਿਮ ਵ ਮਈਆ ਸਿਲਾਹ ਵ ਰਸੂਲੁਹੁ ਫਕਦ ਜ਼ੱਲਾ ਜ਼ਲਾਲਮ ਮੁਬੀਨਾ ਔਰ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਕਾ ਆਖਰੀ ਛਟਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਮੁਤਲਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਰ ਰਵੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਏ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਏ ਵਾ ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਨਾ।